करके इसको, जब वो नहीं जा रहा तेरे साथ धक्का क्यों कर रहे उसके साथ है? भाई जा रहा नहीं। अरे घसीट के क्यों लेके जा रहे उसको? मैं तेरे को देख नहीं रहा आगे। रुक जा मंदिर के पास से। अरे भाई दर्द जा रहा नहीं है, भाग के भाग के वहाँ पे भाई तो पैदल लेके जा तू। भाई पैदल जा रहा नहीं है, भाग रहा है फिर दूर जाना घसीट के लेके जाएगा किसको? भाई साहब जा रहा नहीं है ये। मेरी बात सुन, तू मोटरसाइकिल पे बैठा ना, या तो इसको लेके जा किसी गाड़ी लेके आ कोई ऐसी जिस पे इसको लेके जाएगा। जाना है मेरे को यार, फिर जहाँ मर्जी जाना है, इतनी दूर कैसे छोड़े इसको? अरे भाई लेके जाएगा ना इसको, पैदल लेके जाना। अरे भाई खुल के आ गए यार, खुल के आ गए नहीं, ये जानवर है बोल नहीं सकता। भाई साहब कह रहे धक्का मत करो यार, धक्का जानवर ने चारे पैर रोक रहे आवदे, फिर भी उनकी सिटी है पीछे आवदे। हमको पता है यार, साधन ले जाए चारे पैर ला के फस गया सीटी जाते दोस्तों। ये बेजुबान के साथ जुल्म हो रहा था, और वही है कि जहां जहां पे इन बेजुबानों के साथ धक्का होगा ना, मेरे से गाली भी निकल जाएगी। सॉरी अगर वीडियो में मेरे से कुछ गलत बोला गया हो। और ये देखो, हमने इनको पुल के नीचे रोका था और तब से ये अब इसे पैदल लेके जा रहे हैं। अदरवाइज ये दोनों महाशय तो बैठे थे मोटरसाइकिल के ऊपर, 40-50 पे मोटरसाइकिल भाग रहा है, और इसको लेके जा रहे थे घसीट के पीछे। ये जानवर रुकना चाह रहा था कि भाई मैं थक चुका हूँ, गर्मी ज्यादा है, बट नहीं, इनको तो क्या था, इन्होंने तो अपने मोटरसाइकिल की रेस। हाँ भाई रुके तो रुके, ना रुके तो घसीट के ले जाएंगे इसको, क्यों, वो बेजुबान है ना, अपनी वफादारी तो निभाएगा वो अपने मालिक के प्रति, अब वो कुछ कह नहीं सकता इसको। तो अब ये है इनका रेडे वालों का, इसके पैरों पे जो खुरियां लगी है उससे यही लग रहा है कि जैसे इसको डेली ये यूज में लेते हैं। ये बेजुबान खुद मेहनत मजदूरी करके इनके परिवार का पेट पाल रहे, और ये खुद देखो मतलब कितनी ज्यादा इसके साथ दुर्गति कर रहे हैं। अभी इनको आज खेंचा है थोड़ा, तो अब इनको अकल लग गई है इतने में, क्योंकि ये पुल से खुद भी पैदल जा रहे हैं, और हमारी भी नजर इनके ऊपर ही है कि अब ये दोबारा बाइक पे बैठ के हाथ में रस्सी लेके इसको साथ ना भगाएं। लेके जाएंगे तो घर तक इसको ऐसे ही पैदल लेके जाएंगे। अगर ये पैदल चल सकता है तो तुम्हारे क्या मौत पड़ी है, तुम नहीं चल सकते क्या इसके साथ पैदल? अगर गर्मी तुम्हारे को ज्यादा लग रही है तो इसको नहीं लगेगी, खुद तो बाइक के ऊपर बैठ गए तुम और इसको भगा रहे हो नीचे। तो आज होली के दिन, हमारे तो भाई होली दिवाली हर त्योहार इन बेजुबानों की जो सेवा में लगा रहता है। तो आज हम होली की फीडिंग पे निकले हुए थे, तो मैं ध्रुव बलजीत और ऋषभ, तो हम चारों थे आज। तो हमने इनको देखा डबवाली रोड पे सुरखाव चौक पे, ये जो लालवती चौक है वहां से ये भगाते हुए ला रहे थे। तो हम जितने भी इनको पकड़ा तो ये सुरखाव चौक के पास आ गए थे, तो वहां पर फिर हमारी तूतू मैम हुई इनसे। तो उसके बाद में हमने इन्हें यही बोला कि अगर इसको लेके जाना है या तो इसके साथ पैदल जाओ, जैसे ये खुद जा रहे, ये कहते हैं ये जा नहीं रहा घर, और वो देखो आराम से घर जा रहा है। जाएगा क्यों नहीं भाई, उसको पता है कि हाँ उसका घर है, उसका मालिक है, बट वही है ना कि इसके साथ पैदल कौन जा रहे, टाइम वेस्ट हो रहा है, खुद थक रहे हैं। तो बाइक पे जाते तो बढ़िया था, बाइक पे खुद बैठे रहे हैं तो इसको घसीटी जाएंगे, इसके मुंह पे रस्सी बांध ही रखी है हमने, ये कौन सा भागने वाला है कहीं इधर उधर। अब खींच के लेके जा रहा है घोड़ा वो खुद, तो अब देखो वो घोड़ा आराम से जा रहा है अपने घर की ओर, वो चला भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट वही है ना कि इनको थकना नहीं था, इनको ये था कि हाँ भाई हम तो बैठे हैं आराम से माशिया बन के बाइक के ऊपर और इसको ले घसीट के ले जाते हैं, आएगा तो है ही अपने मालिक के प्रति, वफादारी तो निभाएगा ही है। तो अभी हम भी ना इनके पीछे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है, फीडिंग थोड़ी लेट हो जाएगी पर ये एक बेजुबान के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे हम।